हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते किंग से। तो किंग कश्मीर और जेडन का एक ट्रैक आने वाला है मास अपील इंडिया से, गाने कने में आवारा, और ये देखने को मिलेगा इसी फ्राइडे को। तो बात कर लेते बादशाह के बारे में। तो जैसे कि अभी बादशाह की एल्बम ड्रॉप हुई है एक था राजा, और इस पे काफी सही रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी इस पे 10 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स क्रॉस हो चुका है, और इसी से रिलेटेड बादशाह जो है वो लाइव भी आए थे अपने इंस्टाग्राम से, और काफी सारी वहां पे वो बातें करता है, और ये भी बताता है कि कुछ लोगों को ये एल्बम पसंद नहीं आ रही है। जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। वो यहाँ पे बात कर रहे थे कमर्शियल और अंडरग्राउंड वाली चीज में। एल्बम जो है वो 90% कमर्शियल है, एक दो ट्रैक्स ही है जिसमें प्रॉपर रैप सुनने को मिला है, बाकी जितने भी फीचरिंग आर्टिस्ट है सबको बादशाह ने कमर्शियल चीज करवाई है। तो इसी चीज के बारे में वो बात करता है और कहता है कि हार्डकोर स्टफ भी काफी आएगा। अभी बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं किया, वो तो फिर है भाई ना, जैसे एक्सपेक्टेड है वैसा क्यों दूं, फिर बादशाह किस काम का होगा, जो एक्सपेक्टेड नहीं है वो दो। तो मेरी ये कोशिश थी कि जैसे फॉर एग्जांपल डिवाइन और निकिता का जो गाना है, एज अ लिसनर, एज अ फैन ऑफ डिवाइन वर्क, मेरे को बड़ा मन था कि मैं उसको ऐसे जोन में सुनूँ। यू नो, आई वॉन्ट टू लिसन him being you know a little romantic, और इसीलिए ओ सजना सेम मेरा कृष्णा के साथ था कि थोड़ा सा सॉफ्ट जोन में जाएं, एंड आई मेड दैट। वही जो रेगुलर था वो एक्सपेक्टेड था कि भाई कृष्णा बादशाह है, हार्ड कोर होएगा। नहीं, हार्ड कोर करते रहेंगे, बहुत हार्ड कोर करेंगे, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, लेकिन मेरी एल्बम है और मेरा मन था मैं इसको ऐसे बनाऊँ। And you know this album is more like a bridge between the mainstream, जो pop commercial है, and the hardcore underground। तो भी सीधे मौत भी jersey beat पर है और क्या nail कर रहे हैं भाई। तो भी stand को आप एक नई beat पर सुनोगे, you know मेरा Dino और इक्का का जो गाना है वो थोड़ा सा same zone में था, but भाई क्या मजा आया एल्बम बनाने में। जाके स्ट्रीम करो, और बस अब वीडियोस पे काम शुरू हो रहा है, और करण के साथ जो गाना है भाई उसको बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। करण इज अमेजिंग, करण जस्ट ही फ्लोज, एंड उसके साथ भी हमने यू नो वी मेड अ बीट विच वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉप एंड स्लैप हाउस, एंड हितेन हैज प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स। अरिजीत दादा का गाना प्रोड्यूस किया है हितेन और आदित्य भैया ने मिलकर, उस पर जो मेलोडी आदित्य भैया की, जेट्रा ने प्रोड्यूस किया है ड्रिंक्स ऑन मी स्टैंड वाला, एस टकोने ने प्रोड्यूस किया लाइक ए स्नेक विद रफ्तार एंड आस्था के, और या दैट्स इट मैन, द एल्बम इज आउट। गो स्ट्रीम द एल्बम ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जो भी आपके पास स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसपे जाके स्ट्रीम करो। साथ ही उन्होंने अपनी लॉन्च पार्टी में करण औजला के साथ एक ईपी भी अनाउंस कर दिया। दिस इज नॉट द ओनली सॉन्ग, वी एक्चुअली मेड एन ईपी, मेरी और करण की ईपी कर रहे हैं, वो सही में गीता दी मशीन है। तो अब बात कर लेते कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा एक स्टोरी डालता है, और वो है अभी जापान में आविच के साथ में, जो कि एक रैपर ही है, तो अंकित खन्ना भी उनके साथ में ही है। इसके अलावा मूफार एक्स अक्षय धवन भी देखने को मिलने वाला है। तो अक्षय धवन ने Q&A रखा था जिसमें इस कोलैबोरेशन के बारे में पूछा जाता है, तो अभी दोनों ही आर्टिस्ट की तरफ से हाँ हो चुकी है, देखते कब तक देखने को मिलता है। इसके अलावा रियाड साहब का ऑब्सेस्ड ट्रैक 150 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है। तो बात कर लेते सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो अमृत मान जो कि एक पंजाबी सिंगर है, वो सिद्धू मूसेवाला के जो छोटे भाई है जिनका अभी जन्म हुआ है, उनके बारे में बात करता है अपने एक लाइव शो के दौरान। सिद्धू मूसेवाला दोबारा आ गया, जिहड़े पैरी मेरा भरा गया सी उसे पैरी दोबारा आ गया, अज डबल खुशी है। एक बारी मूसेवाले दे नाम ते जोरदार तालियां लावे। इसके अलावा बेला ने अपना एक अनरिलीज ट्रैक सुनाया हुआ है, साथ ही मूफार ने भी अपने नेक्स्ट ट्रैक की अनाउंसमेंट कर दिया जिसका नाम है DL 9 कैप। एलन वॉकर का भी RCB के लिए ऑफिशियल टीम ट्रैक देखने को मिला है। तो एलन वॉकर विराट कोहली और पूरी RCB के साथ में कुछ पिक्चर्स डालता है, मेड द न्यू ऑफिशियल टीम ट्रैक फॉर RCB। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।